अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रैग्मेटिज्म। इससे पहले हमने आइडियलिज्म, रियलिज्म और नेचुरलिज्म पढ़ लिया है। इस थ्योरी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम देखते हैं प्रैग्मेटिज्म का फाउंडर कौन है। तो उसका फाउंडर पियर्स है, लेकिन जॉन डेवी ने भी इस पर बहुत काम किया है। तो प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी क्या कहती है? रियलिटी वो है जिसको हम एक्सपीरियंस करें। रियलिटी वो नहीं जो हम सोचें, रियलिटी वो है जो प्रैक्टिकल है, जो यूजफुल है। इसके अलावा जो सारे ख्याली प्लाव वो सारे यूजलेस है। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म जो एक्सपीरियंस है वही रियलिटी है। तो आइए, जो स्कूल ऑफ थॉट्स, जो स्कूल इस फिलोसफी को फॉलो करता है, वो कौन से करिकुलम को फॉलो करेगा? वो लर्नर सेंटर करिकुलम को फॉलो करेगा। उसके करिकुलम में वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचिंग पर ज़्यादा जोर दिया गया होगा। ओके, प्रैग्मेटिज्म करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड किया गया होगा और कॉन्टेंट बेस्ड नॉलेज को भी इंक्लूड किया गया होगा। क्योंकि पूरी जो थ्योरी है वो किस पर ज़्यादा बात कर रही है? एक्सपीरियंस पर बात कर रही है। ओके, इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और को करिकुलर एक्टिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया गया है इस वाली थ्योरी में। क्योंकि देखो, एक्टिविटी बेस्ड होगी और को करिकुलर एक्टिविटी होगी तो ही तो बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो ही तो रियलिटी को जानेंगे। इसके अलावा बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, म्यूजिक, आर्ट और स्पोर्ट पर भी जोर दिया गया है। ओके, तो आप देखो ये सारी चीज़ें किससे रिलेट करती है? एक्सपीरियंस से रिलेट करती है। सो आइए हम देखते हैं कि टीचर जो इस थ्योरी को फॉलो करेगा तो कौन से मेथड यूज़ करेगा। वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है? कि हम बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाएं कोई चीज़ का। ओके, इसके अलावा दूसरा मेथड है प्रॉब्लम बेस्ड मेथड। इसमें टीचर कोई भी प्रॉब्लम दे देगी और बच्चे खुद उसको सॉल्व करेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर वो इस जगह पे होते तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते। इसके अलावा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी टीचर करा सकती है। कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग भी होती है। लर्निंग बाय डूइंग और डिस्कवरी भी होती है। तो ये है प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो होगी वो एजुकेशनल थ्योरीज पर होगी। ये सारी हमने वेस्टर्न थ्योरीज को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।